नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई बात करें आशा वर्करों की, तो लगातार जो है अपना प्रदर्शन जारी रखती है और आज भी पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन किया हुआ है और करनाल से ये तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर आशा वर्करों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। और इस दौरान जो है चुनावी प्रचार प्रसार भी चला हुआ है। चुनावी प्रचार के दौरान सरदार त्रिलोचन सिंह और दिव्यांशु बुद्धि के प्रतिनिधि आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको जो है आशा वर्करों ने मांग पत्र और ज्ञापन भी सौंपा है। आखिर क्यों ये मांग पत्र जो है आशा वर्करों ने दिव्यांशु बुद्धि राजा के प्रतिनिधि को दिया है, चलिए एक बार बातचीत करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुद्धि राजा दिव्यांशु के बड़े भाई आज जो है आशा वर्कर यूनियन के पास पहुंचे हैं। जो आशा वर्कर है वो अपना मांग पत्र जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा के बड़े भाई को देती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जो लगातार है चुनावी प्रचार प्रसार में दिव्यांशु बुद्धि राजा के बड़े भाई लगातार करनाल शहर के कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर बातचीत भी करते हैं। जी, दुख होता है कि हमारी जो आशा वर्कर बहने हैं बाकी कर्मचारियों की तरह इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनको तो कुछ ज्यादा ही प्रताड़ित किया गया है। इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं करी गई, और जो एक जनता के प्रतिनिधि की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं निभाई गई। चुने जाने के बाद ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना जो करनाल के ही जो एमएलए थे सीएम खट्टर साहब, ना उन्होंने कोई सुनवाई करी। और जब जब इन्होंने अपनी मांग रखने की कोशिश करी, इनका दमन किया गया, इनके आंदोलन का, इनकी मांगों का, तो हम ये बताने आए हैं, इनका साथ देने आए हैं। लोकसभा के जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनकी तरफ से, और विधानसभा के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ हमारी आशा वर्कर्स बहनों को मिलने के लिए, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं वो समझने जानने के लिए, और उनका जो ये ज्ञापन है वो भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को पहुँचाने के लिए, ताकि जब वो चुने जाए इनकी जो मांगे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर उठा सकें। सर अभी से ही मांग पत्र दे दिया है। जी, मांग पत्र तो देना बनता है। उनकी अगर मांग सरकार नहीं सुन रही है तो आज जो विपक्ष है अगर वो सक्षम है उनकी आवाज उठाने के लिए, और जब करनाल की और हरियाणा प्रदेश की और लोकसभा के अंदर जब पूरी हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया, कर्मचारियों ने जब ये मन बना लिया है कि सरकार को हटाकर, इस दमनकारी सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाई जाएगी, तो उन्हें एक आशा है कि ये कांग्रेस की सरकार इनका काम कर सकते हैं, इनकी जो डिमांड है पूरा कर सकते हैं, तो वो अपना ज्ञापन दे रहे हैं। ये इनका प्रेम है, इनका भरोसा है। सर पूरे साल जो आशा वर्कर है वो प्रदर्शन करती है, सड़कों पर उतरती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम आए हैं, उनको आश्वासन देने आए हैं कि केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार आएगी केंद्र में, तो उन्होंने अपने न्याय पत्र के अंदर ये दिया है कि जो इनके वेतन के अंदर, हमारी बहनों के वेतन के अंदर जो केंद्र की जो भागीता है जो वो देते हैं उसको डबल किया जाएगा। तो ये तो एक पक्का एक है उन्होंने बनाया है, और जब और उनको एक स्थायी कर्मचारी के तौर पर रखा जाएगा, जो अभी अस्थायी जो चल रहा था उनको स्थायी होगा, और जो बेनिफिट्स होते हैं बाकी वो भी दिए जाएंगे। करते हैं अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारियों के साथ भी मांगों को लेकर पूछ करते हैं, तभी हमारा सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, पुलिस के द्वारा दमन किया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जायज मांगे हमारी पूरी करो, हमारी मांगे है भी क्या, हमारा हड़ताल का जो 73 दिन का पैसा रोक रखा सरकार ने, अब तक जो 1500 रुपए फिक्स परफॉर्म में बढ़ोतरी करनी सेंटर में, अब तक वो भी नहीं की सरकार ने, उसमें भी गोलमोल कर रही है बात। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने जल्दी से जल्दी वो जो हमारा हड़ताल का रुका है पैसा वो भी लागू किया जाए, और जो हमारा परफॉर्म में पैसा बढ़ोतरी करनी थी 1500 रुपए की वो भी जल्द से जल्द करे। नहीं तो कहाँ कहाँ चला हुआ है, पूरे हरियाणा में है, नहीं तो हम इस सरकार को अब 25 तारीख के जो इलेक्शन है उसमें हम पक्का दिखाएंगे आशा वर्करों की वोट की चोट। हम कहते रहे ना कि सरकार को दिखाएंगे वोट की चोट, हम पक्का दिखाएंगे वोट की चोट सरकार को। मैम दिव्यांशु बुद्धि राजा के बड़े भाई को ही ज्ञापन क्यों सौंपा गया, क्योंकि ये हमारे बीच में आए हैं, हमारे समर्थक बने हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज, अगर हम आने वाले दौर में
इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़े हुए हैं। हमें आशा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो हमने अपना मांग पत्र इन्होंने हमारा मांग चार्ट में अपना आशा वर्कर आंगनबाड़ी मिड डे मील का भी नाम लिया है। तो हम इनसे आशा है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो हम इनसे मांगेंगे और अपना ये हमारा जो भाजपा ने नहीं किया वो कांग्रेस करेगी। देखो भाजपा ने नहीं किया, भाजपा के तो 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने किया क्या आज तक? जब भी लिया हमने आंदोलन करके लिया और वो भी बड़ी मुश्किल से। कितनी बार आशा वर्करों का दमन किया गया, कितनी बार मिड डे मील का दमन किया गया, कितनी बार आंगनवाड़ी वर्करों का दमन किया। जो भी अधिकारी कर्मचारी कच्चे का पक्के स्कीम वर्कर मांगने के लिए जाते तो दमन ही होता उनका, दमन इतना करती है सरकार बहुत ज्यादा। मैम आपका पूरा वृत्त में सुदेश राणी जिला सचिव और स्टेट सचिव। देखो 2024 का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 2014 से आज तक जो भी पार्टियां आई हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो उसमें सिंपल सी बात है कि अब तक जो भी किया है उन्होंने दुराचारी किया, आम पब्लिक के साथ हो, कर्मचारियों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, उत्पीड़न के केस है, सब कुछ है। लेकिन अब की बात पूरे अगर हम कहें ना, देश ने, प्रदेश ने, यहाँ तक कि करनाल ने भी, जनता है जो, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब की बार हम सरकार बदलेंगे। मैम महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं की भाजपा ने, इतनी योजनाएं चलाई, धरातल पे कोई भी सुविधा नहीं है। धरातल पे तो हमने देखा आंगनवाड़ी वर्कर 4 महीने सड़कों पे पिटी है, आशा वर्कर 74 दिन सड़कों पे पिटी है, और हमारी जो मिड डे मील की बहने हैं वो भी 7000 में 300 से 400 बच्चों का खाना डेली बनाती हैं जो महीने में मिलते हैं, और वो भी 10 महीने का मानदेय उनको मिलता है, 2 महीने की छुट्टियों को काट भी लिए जाते हैं। तो कहाँ लगता है कि आपको क्या मिला है, आपको कुछ मिला स्पेशल? मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपको महिलाओं की सुविधा दी है, कह रहे हो आप कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सुविधा दी है, क्या सुविधा दी है महिलाओं को? तो क्या लगता है मैम, सरकार तो 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात करती है, ये विकसित नहीं, अब की बार अगर ये आएगी तो संविधान पे इतनी बड़ी चोट है कि हम आगे आने वाले टाइम में वोट ही नहीं कर पाएंगे, और ये हमें बहुत बड़ा अफसोस रहेगा कि हमने अब की बार अगर सरकार को नहीं बदला तो पूरी संविधान में छेड़छाड़ की जाएगी। इसलिए पूरा मन बना रखा जनता ने कि अब की बार सरकार बदलेंगे, और जो हमारे करनाल से, लोकसभा से और जो विधानसभा से उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से आए हैं, हम इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार है हम उसको वोट देके जिताएंगे। तो पूरा मन बना लिया है कि भाजपा सरकार को बदलना है, 5 साल में ही सरकार को बदल देना चाहिए। जहाँ तक हमारी सोच है ये कि अगर हम सरकार को 5 साल के बाद नहीं बदलते और सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से पूरी मजबूती के साथ आती है तो आम पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए सरकार रली मिली होनी चाहिए, और जितनी सरकार कमजोर रहेगी पब्लिक का उतना ज्यादा फायदा रहेगा। मैम आपका प्रश्न, मेरा नाम बिजनेस राणा, C2 की सह सचिव करनाल से। तो मैम मौजूद थी यहाँ पर, इनसे हमने बातचीत की है, इन्होंने कहा है कि जो है मन बना लिया है सरकार को बदलने का, और इन्होंने कहा कि हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, जितना ज्यादा गठबंधन होगा उतनी ज्यादा सरकार अच्छी चलेगी, इस तरह की बातें ये कह रही है। और अब बिल्कुल ही मन बना लिया है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, सभी के सभी जो है आशा वर्कर है वो कांग्रेस की तरफ जाने वाली है, इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाली है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, और 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव न रहकर एक मैदान जंग बन गया है। सभी उम्मीदवार है जो अपने अपना प्रचार प्रसार करने में भी लगे हुए हैं, और देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता रहने वाली है।